बिजनेस इज डिपेंड, जो मिनिमम बेसिक हम लोग का पैकेज है इट्स 600 रुपीज, इंक्लूडिंग पैकिंग एंड फूड एंड एवरीथिंग। तो स्क्रीन में मैं इन लोगों का नंबर दे दूंगी, इन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर। नमस्कार एंड सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप आप सब ठीक हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह में ट्रैकिंग के लिए। हमारा आज का डेस्टिनेशन है एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल जो कि रानी में है, जिसका नाम है थियोपानी वाटरफॉल। ये 70 गांव, रानी के 70 गांव में है, जो कि गुवाहाटी दिसपुर से आप अगर जाएंगे तो 30 किलोमीटर्स लगेगा, लगभग 1 घंटा लगता है गाड़ी में। और फिर वहाँ से 70 गांव से उस वाटरफॉल के लिए 3.5 किलोमीटर्स लगते हैं, जो कि 1.5 आवर्स हम लोगों को लगेगा चलने में। सो जिस टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है मायरो मानव, उन्होंने हमें बोला है कि सुबह के 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाने के लिए। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी 7 AM इन द मॉर्निंग, और हमको बोला गया है कि एक्कोलैंड के पास, रानी के जो एक्कोलैंड है, एक्कोलैंड के पास पहुँचने के लिए एग्जैक्टली 8 o'clock। सो वहाँ से हम लोग बाकी ग्रुप्स भी मिलेंगे, जैसे वो लोग का मिनिमम होता है कि 10 लोगों का एक ग्रुप बनता है। सो हम लोग अभी 5 लड़कियाँ हैं गाड़ी में, सो हम 5 of us एंड देन देयर विल बी सम मोर पीपल हु विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर एंड देन वी विल प्रोसीड आवर जर्नी। ये एक्लैंड के पास पहुंचने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता जाता है जो कि 70 गांव के तरफ जाता है। सो हम अभी जाएंगे 70 गांव के तरफ, और 70 गांव में हम लोग फिर गाड़ी वहां पे पार्क करके फिर हमें चलना पड़ेगा। Everybody and a very welcome to Mayro Manok. You are in a village called Satargaon, which is a out and out Rabha community. Me, I have my team here, Aditya and Plavon. I think you have, some of you might have already met them. They are here, they are somewhere there. The initiative Mayro Manok, we started it in 2020. One important thing is that after the breakfast and everything, we will go for a trek. So, वहाँ पे it's a complete elephant corridor है जो हम जाएंगे जंगल के अंदर. We will be crossing 5 small streams when we go inside the jungle, and in the heart of the jungle is Thiopani waterfall. That is our destination. We will go to the waterfall. If you want to be comfortable for the track, we would suggest that you do not wear your shoes, because as I said, we will be crossing small water bodies. So your shoes, either you'll have to open them and tie them again, and or you have to carry them. So usually we prefer ऐसे सैंडल्स वगैरह, या फिर तो खाली पैर आल्सो, वी डू खाली पैर आल्सो। ये सुनते ही मैंने अपना स्पोर्ट्स शूज खोला और मैं अपना वाटरप्रूफ शूज पहन के रेडी हो गई। इफ यू वांट टू चेंज और समथिंग बिफोर द ट्रैक, देयर इज अ रूम हियर, यू कैन चेंज हियर। द ट्रैक दैट वी गो फॉर, वी कॉल इट अ साइलेंट ट्रैक। ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। We are carrying any eatables inside the jungle. We will make sure that, you know, whatever packet or water bottle or anything that we are carrying, we will carry it back here with us, because hum yahan pe kuch bhi nahi chhodte hain. Gaon hai to yahan pe waste management ka system nahi hai. Jaise ki aap logo ko pata chala hai na, waste management ka koi system nahi hai yahan pe, wo to chhod dijiye. Yahan pe sabse badi baat hai ki electricity hi nahi hai. Dekhiye, Guwahati se just 1 ghanta lagta hai. Aise ek jagah mein electricity nahi hai, ajeeb baat hai. और तो और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता है, नो मोबाइल नेटवर्क, हमारे सिग्नल सारे डाउन हैं। और यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज तार भी है फॉर दी इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, लेकिन गांव के लिए कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट नहीं है। एक एनजीओ ने थोड़ा सा हेल्प किया है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड किया है यहाँ पे, सो कुछ घरों को थोड़ा सा सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है उस तरीके से। एक बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट सर्व होता है, बिस्किट्स, एग्स एंड चाय को देके, क्योंकि चलना पड़ेगा, सो इतना खा के हम लोग नहीं चल सकते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट लाइट ही रहता है। जैसे कि आपने देखा, हमें शूज चेंज करना पड़ा, बिकॉज यू कैन नॉट वेयर दोज स्पोर्ट शूज एंड ऑल, पानी है
काफी जगह में। सो हम लोगों ने शूज चेंज किया, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकले हैं अभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो कि 3.5 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो वी विल बी गोइंग वॉकिंग यहाँ से। सो चलते रहिए हमारे साथ। ये है वो पहला स्ट्रीम, छोटा सा एक स्ट्रीम है जो क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये आ गया दूसरा वाला स्ट्रीम, ये भी हमने आराम से क्रॉस कर लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद ये आ गया द थर्ड स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत भारी बैग्स लेके मत जाइएगा। जस्ट एक ही जोड़ी कपड़ा चाहिए होता है और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वहां पे विलेज में हम लोग रख के आ सकते हैं। तो छोटा सा एक बैग लीजिएगा जो कि कन्वीनियंट होता है चलने के लिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ जब भी जाइएगा छोटा बैग लेके जाइएगा। ये चलते चलते हम पहुंच गए फोर्थ स्ट्रीम, ये भी हमने क्रॉस किया। तो व्हाइल वी वर वॉकिंग ना, सामने गाइड है, पीछे भी गाइड रहते हैं, बीच में भी गाइड रहते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो एवरी टाइम यू नो वी वर वॉकिंग डाउन दे वर गाइडिंग अस अकॉर्डिंगली। चलते चलते ना हम लोग एक ऐसे जगह में पहुंचे जहाँ पे बैम्बू सारे बिखरे पड़े थे, बैम्बू प्लांट्स एंड ऑल। तो पता चला कि अभी हाथी आके गया था यहाँ पे, एकदम अभी गया है, तो हम लोग थोड़ा सा डर भी गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम लोग साइलेंटली वॉक करने लगे। ये देखिए, मैंने बोला था ना बड़ा बैग नहीं लेने के लिए, तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया कि बड़ा बैग लेके आ गई और फिर बेचारी बहुत थक गई थी, चल नहीं पा रही थी। सो वी एक्सचेंज द बैग्स, मैंने छोटा वाला बैग उसको दे दिया और फिर मैं चलने लगी। ऐसे करते करते ना हम बहुत मस्ती करके सब लोग जा रहे थे, बहुत साइलेंटली बात करके, इसीलिए हमें पता भी नहीं चला कि हम लोग काफी दूर आ गए हैं। वी हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड अबाउट 2.5 किलोमीटर अभी तक और जस्ट 1 ही किलोमीटर था। सो वैसे वैसे हम लोग चलते गए, बहुत ही सुंदर था जंगल, ग्रीन्स ऑल अराउंड, और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, करीब 3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद लड़कियां थक चुकी है, बोल रहे थोड़ा सा बैठना है। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम चलने लगे। आगे जाके हमने देखा कुछ साइकिल्स है, बाइसाइकिल्स ऐसे पड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ तक बाइसाइकिल आ जाती है, थोड़ा कहीं कहीं पे उठा के लाना पड़ता है। सो यहाँ से लेकिन बाइसाइकिल नहीं जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग ना बाइसाइकिल छोड़ के फिर वॉक करके चले जाते हैं। फिर ये आ गया फिफ्थ स्ट्रीम, यहाँ पे थोड़ा बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा फोटो खींचा।
ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये छोटा सा और एक छोटा सा हर्डल है, इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे है वाटरफॉल जो हमारा डेस्टिनेशन है। वॉटरफॉल में और इसके बारे में हमें बताएंगे यहाँ के गाइड जो यहाँ के एक मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे लिए ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनका नाम है आदित्य। सो आदित्य हमें थोड़ी सी बताइए तो ये वॉटरफॉल के बारे में। नेम ऑफ द वॉटरफॉल इज चोपानी वॉटरफॉल एंड ये छतर गाँव में है। द नेम ऑफ द विलेज इज छतर गाँव और ये हम लोग को अराउंड 3.5 to 4 किलोमीटर वॉक करने के बाद मिलता है। एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस वाटरफॉल की यहाँ पे पानी का भी सूखता नहीं है, देन इन द ड्राई सीजन थोड़ा रहता ही है जब, लेकिन जब ये आपका मानसून में इसका जो है व्यू और भी अच्छा हो जाता है। And तो आप सजेस्ट करते हैं मानसून में आने के लिए? हाँ, मानसून इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और आप लोगों का चार्जेस में क्या है? चार्जेस इज डिपेंड, जो मिनिमम बेसिक हम लोग का पैकेज है इट्स 600 rupees इंक्लूडिंग पैकिंग एंड फूड एंड एवरीथिंग। एंड उसके ऊपर हम लोग का दूसरा पैकेज है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये चेंज होता रहता है। एंड आप लोग पिकनिक भी ऑर्गेनाइज करते हैं? पिकनिक भी होता है हम लोग का, होम स्टे भी है, वी हैव सम कभी कभी हम लोग का यहाँ पे इवेंट्स भी होता है। तो बेसिकली फॉर एनी काइंड ऑफ हम लोग शादी भी करवाते हैं, 2-3 शादी भी करवाए हम लोगों ने। तो फॉर एनी पर्पज यू कैन तो स्क्रीन में मैं इन लोगों का नंबर दे दूंगी, इन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग जो भी आना चाहे यहाँ पे आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हर रोज होता है कि ओनली संडे होता है? ओके, इट्स ओनली ऑन ओनली ऑन वीकेंड्स और इन हॉलीडे। अभी हम लोग नहा चुके हैं और मैं अभी चेंज करके मैं बैठी हुई हूँ और मेरे फ्रेंड्स अभी भी पानी में है, दे डोंट वांट टू कम आउट। इतना सुंदर नजारा है ना, देखिए ना, किसी को आने को मन ही नहीं करता है वहां से। आप लोग भी आइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। आसाम का एक पार्ट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही सुंदर है और आप लोग भी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। रास्ते में ना हमें बहुत सारे बटरफ्लाइज भी देखने को मिले।
आते वक्त ना हम लोग जंगल में ऐसे फायर देखे तो थोड़ा सा डर भी गए, लेकिन फिर पता चला कि ये डिमार्केशन के लिए ऐसा फायर लगाया जाता है। ये है चावल राइस, प्लेन राइस। ये है आलू चोखा, ये छोटा आलू का सब्जी, ये है बैंगन का भरता, दिस इज सैलेड, ये कोसू का क्या है कुछ कच्चू पत्ता, ये है पॉक, और ये है चिकन विद बनाना फ्लावर, एंड दिस इज बॉयल्ड एग, राजमा, दिस इज दाल, एंड दिस इज राजमा, दिस इज बैंगन भरता, पापड़। यहाँ आके मुझे बहुत ही टेस्टी और एथनिक लंच करने का मौका मिला। ये लंच मैं बहुत दिनों तक याद रखने वाली हूँ। यहाँ पे जो एथनिक का दो तीन रेसिपी था, वो रेसिपीज मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगी मेरे चैनल पे। ये जो कुक है जहाँ जिन्होंने आज ये खाना बनाया है, यही कुक करेंगी, और मैं इसका वीडियो बना के मेरे दूसरे चैनल दनिशा कुक बुक में मैं लेके आऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा। ये खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया और फिर हम लोग गाना सुनने लगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ माय रोमानो फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल ट्रिप। ये ट्रिप मैं बहुत दिनों तक याद रखने वाली हूँ। और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं और थियोपानी वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो काइंडली इन लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इन लोगों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को देखते रहिएगा। Oh, Cassie, for her, is in the garden. Brilliant! Woo!